आप सबका स्वागत है। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाह रहा हूँ कि पिछले कल एक नोटिफिकेशन का हवाला देकर ये कहा गया कि पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया है, और मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि इन चीज़ों की थोड़ी जानकारी एकत्रित करके अगर आप सोशल मीडिया पर इसको जारी करते तो अच्छा होता। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है जियो आईटी में, ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें हैं। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई पीएन की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से हैं, कैसे भरोगे आप, एलिजिबिलिटी के नहीं है तो उसकी जगह कौन भरना है। इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे, लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर गया। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन के विभाग है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की जरूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमेट की जरूरत है, लाइनमैन की जरूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की जरूरत है, तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी, वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुंची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को ख़त्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं, उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोज़गार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। और मेरे समय में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन, जिसमें 5,861 पोस्टें सेंक्शन की गई है, बैच वाइज भरी गई है, बाकी आपका जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरनी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी, डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को बराबर किया जा रहा है, 2679 पोस्टें भरी जा रही है। होम में, जिसमें अभी पुलिस के 1200 पोस्टें, 1924 पोस्टें भरी जा रही है। फॉरेस्ट में
2162 का तो अभी फैसला किया वन मित्र का, 2266 पोस्टें भरी जा रही है। जल शक्ति में 4786 पोस्टें, 4486 पोस्टें, जिसमें से 3000 पोस्टें मेरे ख्याल भर चुकी गई है। पीडब्ल्यूडी में 363 पोस्टें भरी जा रही है। रेवेन्यू में पटवारियों की 956 पोस्टें ये मेरे समय में स्वीकृत की गई, जो कि 19103 पोस्टें हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से, जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के साथ में ये चिट्ठी निकली, ये किसी ने नहीं देखी, ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है और करेंगे हम क्रिएट। अब ये जैसे हमने नर्सेज की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है, हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की जरूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें लेनी है, जितनी भी पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है उनकी जगह हम नए पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेंगे। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और कॉपी में फोटोस्टेट सबको उपलब्ध करवा दी जाए, ये मैं आपको कहना चाहता था। क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना समाज के लिए अच्छी नहीं होती, अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है। तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। तो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है एक, और चुनावों के वक्त और भ्रामक हो जाता है। ये रूटीन्स की प्रक्रिया होती है, पर रूटीन की प्रक्रिया के साथ जो हमने चिट्ठी निकाली है, वो चिट्ठी को दूसरे के पार्ट को आपने देखा नहीं है, यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं को रोज़गार दे रही है, और मैं खासकर सोशल मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सही जानकारी के साथ आप अपनी खबर को चलाएं। सर, अभी दिल्ली दौरे में ग्रीन बोनस को लेकर एक नई बात सामने आई है, जो आपने डिमांड की है नीति आयोग से, और इसके प्रति नीति आयोग या जो कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, उनका रुख क्या है? देखिए, ग्रीन बोनस की बात कहाँ से आई? हिमाचल प्रदेश में हमने एक राज्य के रूप में अपने तौर पर सारे ग्रीन पेड़ों के कटान पर और सूखे पेड़ों के कटान पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स कहलाते हैं। अगर हम अपने पेड़ों को दूसरे राज्यों की तरह काटने की अनुमति दे दी जाए, तो हम 1,00,000 करोड़ रुपया 2 साल में ही कमा लेंगे। हम अपने वनों को अगर भी संरक्षण चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे 4 MP होते हैं पार्लियामेंट में, उनकी आवाज़ नहीं होती, पर 4 MP पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते, ये बात तो सही है। वो MP मांग तो उठाते नहीं है, वो तो यहाँ के प्रेस में बोलना है, जैसे कि आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का दायित्व उनका है, करना कुछ नहीं है, दायित्व है, राष्ट्रीय स्तर के भी नेता है। लेकिन क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता है कि आप सरकार की डिसीजन मेकिंग बॉडी में हैं, आप भी एक चिट्ठी लिख के बोलिए कि हमें ग्रीन बोनस दीजिए, हमें नहीं पूरे राज्यों को दीजिए, और इस आधार पर देना चाहिए पूरे राज्यों में कि जो अपने वन संरक्षण ज़्यादा करते हैं उसको उस परसेंट के हिसाब से रखना चाहिए। फाइनेंस कमीशन को भी टोटल टैक्सेस का जो हमारा है उसका 2% पूरे हिंदुस्तान के राज्यों के लिए रखना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज और वन संरक्षण के लिए अपना पैसा बचा कर रखें, अपने वन को बचा कर रखेंगे, उन्हें हम इंसेंटिव देंगे। हो क्या रहा है, प्रोटेक्शन के लिए रखा नहीं जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है क्लाइमेट चेंज के नाम पर। अरे जो वन लगे उनको तो प्रोटेक्ट कीजिए,
उसके लिए तो करने का कोई बजट में प्रावधान नहीं है, इसलिए ग्रीन बोनस की हमने बात की है। और दूसरी जो हमारी संपदा को पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लुटाया है, उस अधिकार की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे 5 साल में 20,000 नौकरियां नहीं निकाली, हमने वो भी निकाली। सर, आप पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक तो चुप होकर आप ये अपील करेंगे कि इस मामले में ग्रीन बोनस के मामले में सारे पर्वतीय राज्य को एकजुट होकर करना चाहिए, क्योंकि हम तो कांग्रेस शासित राज्य है, भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। सर, एक रोजगार से रिलेटेड मामला है क्योंकि आज आपका स्पेसिफिकली इसी पे फोकस है। आपने एक कैबिनेट सब कमेटी बना रखी है, 5 पोस्ट बोर्ड पेपर लीक वाले जिनको दिए हैं, उस कैबिनेट सब कमेटी की अभी तक जितनी बैठकें हुई हैं, लास्ट बैठक में भी जो ऑफिसर्स कमेटी की एक रिकमेंडेशन है उसको ओवररूल करने को कोई रेडी नहीं है, ना लॉ डिपार्टमेंट है, ना पर्सनल है, ना विजिलेंस ब्यूरो है। तो अब वो या तो कैबिनेट को शायद ये भेज रहे हैं कि फुल कैबिनेट ही डिसाइड करे कि पेपर लीक के मामलों का क्या करना है। नहीं, जहाँ तो भ्रष्टाचार की आएगी, जहाँ बहुत ज़्यादा पेपर लीक हुए होंगे, वहाँ तो अब लॉ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। सर, आज से जो आपका कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी टिप्पणी की है और उनकी तरफ से कहा गया है कि जो जनमंच था वो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से सरकार ने बंद किया है। नहीं, जनमंच पर ना 2-2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया जाता था, तो उसका फ़ायदा नहीं था। और जो मेरा टूर है वो तो बेचारे किसी ने घर में खाना बनाया है, वो खाना खाने जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। उस डोडरा क्वार में आज तक कोई मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री सारे गए, जयराम जी भी गए, लेकिन रात को कोई प्रदेश का आज तक मुख्यमंत्री नहीं रहा। मैं रात को उनके बीच में रहूँगा, उनकी बात को समझूँगा और जिस और अपनी उस गारंटी को पूरा करेंगे जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कौन सी गारंटी पूरी करनी है, वो चीज़ें भी दूंगा। पहले ऐसे गांव में जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है, उसका भी मैं उनसे बैठ के बैठक में दिशा निर्देश दूंगा। तो ये कार्यक्रम सरकार आपके द्वार, आज पूरे मंत्री भी अपनी जगह जाएंगे और मैं पूरे सबसे पहले उन बैकवर्ड जिलों में जाना चाहता हूँ ताकि हम अपने गाँव के लोगों से जुड़ सकें। और जो हमारी सरकार का पहले दिन से ही ध्येय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, और बजट से पहले उनके लिए योजना लाई जा सके, ये सब आप सरकार गांव के द्वार का जो कार्यक्रम है वो गांव की आवाज़ को बजट में सम्मिलित करना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। अब तो ऐसा तो नहीं है कि गांव के लोगों को तो हम कुछ देते नहीं हैं, हमारे सबके परिवार गाँव में रहते हैं, लेकिन उनके लिए कैसे लाना है, कैसे उनको भी समृद्ध करना है, उनके जीवन यापन को भी तो अच्छा करना है। ये बजट से पहले की मीटिंग है और आपने देखा कि अभी बजट की मीटिंगें चल रही है, सेक्टरी लेवल पर चल रही है, सेक्टरी लेवल पर सुझाव आ रहे हैं। ये चिट्ठी भी उसी का एक सुझाव था, भाई आपने 25 साल से पोस्ट भरी नहीं, अब आप 25 साल के बाद आपको बजट हर साल दे रहे हैं हम बजट, फिर वो विभाग वाले अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर देते, वो पैसे का तो सदुपयोग करना है, उसकी जगह आप नई पोस्टें लीजिए, उनको हम कन्वर्ट करेंगे और सारी नई पोस्टों को हम कन्वर्शन करके लगाएंगे। तो दृष्टिकोण क्या है कि जो 40-50 साल से एक अर्थव्यवस्था चली आई है, ये व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा बजट में जो हमने कहा है उसको किया। आपने मेरा पहले बजट को देखना, वो अब धरातल पर आ गया है, अब दूसरे बजट की योजनाएं भी धरातल और तीसरा बजट भी जो होगा वो धरातल पर आएगा, ये सब चीज़ें इस संदर्भ में। लेकिन क्या होता, भ्रामक प्रचार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है पूरे देश में, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते, कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लाते कि टॉयलेट टैक्स है जी, पता नहीं कहाँ से शब्द लगते, फिर बोलते जी वो कोई षड्यंत्र तो नहीं है, किसी की बाथरूम पर किसी का कोई टैक्स लगता है, सिवरेज सेस लगता है उनके, जयराम ठाकुर जी के नहीं, वो देखो अगर किसी ने लिखा है पर नहीं, पर शीट का टॉयलेट नहीं है वो, आप किसी की शीट पर नहीं लग रहा है। अब ये जैसे ये आ गई पोस्टें खत्म होगी, अब इन पोस्टों को भी आपको अंडरस्टैंड करना है कि पोस्टें खत्म नहीं हुई है, कन्वर्ट हुई है, वो जो जरूरत है आज की जो कन्वर्शन है, और इसलिए मैंने उसके इस चिट्ठी को आपने अब सबको दे देंगे। आपको मेरा ये भी कहना है कि आप थोड़ा सा जब फटाफट ये ना देखे करो, थोड़ा पीछे का रिसर्च वर्क भी कर ले करो, जो आपको चिट्ठी देता है ना जी उससे थोड़ा सा बोले करो और भी कोई चिट्ठी तो नहीं निकली है, तो ये स्पष्टता मैं करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।